ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जी हाँ, शायर की इन पंक्तियों से मेल खाती है बटियात की खटेड़ा पंचायत की गोड़ो देवी की दास्तां। चल पाने से लाचार 26 साल की गोड़ो दिव्यांगों की सरकार की तरफ से व्यवसायिक जमीन पाने के लिए पिछले 9 माह से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रही है, जहां दुकान बनाकर वो अपने परिवार के लिए आजीविका कमा सके। गोड़ो के माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं। 6 बहनों और 2 भाइयों के परिवार से संबंधित गोड़ो के भाई बहन शादीशुदा हैं। भाई मेहनत मजदूरी कर गुजारा कर रहे हैं, तो वहीं गोड़ो देवी आत्मनिर्भर होकर बुजुर्ग माता पिता का आर्थिक सहारा बनना चाहती है। वहीं अपने इस प्रयास में वो सरकारी तंत्र से हारती दिखती है। उस पर चक्कर काटते काटते अब किराए के दूसरे खर्चों से भी जमा पूंजी घटती जा रही है। एक ओर अपंगता तो दूसरी ओर गरीबी, तो उस पर सरकारी विभागों का सुस्त रवैया। चलने फिरने से भी महरूम गोड़ो का किराया खर्च कर चुबाड़ी और ककीरा के चक्कर काट रही है। कभी कल्याण विभाग चुबाड़ी तो कभी ककीरा भेजे जाने से गोड़ो तंग हो चुकी है। चलने फिरने तक मैं महरूम गोड़ो को माता पिता विरुद्ध होने के कारण उठा तक नहीं सकते। उस पर पहले डाकिया जहां घर में पेंशन पहुंचा जाता था, तो वहीं अब 6 मील दूर हवार जाकर पेंशन लेनी पड़ रही है। लिहाजा एक आदमी उसको आने ले जाने को चाहिए। ऐसे मामलों में सरकार के बड़े बड़े दावे यहाँ जमीन तलाशते हैं, मगर उसका दर्द वही महसूस कर सकता है और खामियाजा भी उसे ही भुगतना पड़ता है। अपनी व्यथा सुनाते हुए एसडीएम चुवाड़ी से गोड़ो देवी ने मदद की गुहार लगाई। मैं दुकान बनाना चाहनी हूं, पंजे विच शर्ट विच रहन चाहनी, मेरा काम नहीं होता। फाइल में कीरा जा तक नंदे चुवाड़ी ले गया, चुवाड़ी जा तक नंदे कीरा ले गया, फिर कीरा पूछने तक नंदे तो पंजाब से ले गया, पंजाब से गुजराने का ग्रंदे उठे ले गया। मेरा कोई काम नहीं हो करता, मैं काम करना चाहनी हूं, अपना दुकान चलानी चाहनी, अपने उधर कमाने चाहनी, सब कुछ। पेंशन मिलती तो की पेंशन नहीं मिलती, मिकी दो ही हाल दी बस करे मिलती की तो की ना वो हाल मिलती से नौकरी आंदे बोल दे की नहीं देनी है सौ वो हाल दी। अच्छा पेंशन नहीं के जड़ी लगी है वो नहीं मिला वो हाल वो हाल मिलती दो ही हाल बस। मेरा काम शहर का सब बड़े दूर है, यहाँ तो घंटा लगता है। हाँ आज मैं बीमार है, कहाँ ही अस्पताल में तो मैं नहीं हूँ, इतने 25 रुपये के लगते हो उनकी और ककीर थे चुआड़ी बरूबर है। हाँ जी, इस संदर्भ में जब एसडीएम बटियात बच्चन सिंह ने हर संभव मदद का वचन दिया, उन्होंने इस दौरान संबंधित विभागों से बात कर जल्द से जल्द गोड़ो देवी को राहत देने का भरोसा दिलवाया। अपने पैरों पर खड़े न हो पाने वाली दिव्यांग गोड़ो देवी के अपने परिवार का आर्थिक सहारा बनने के लिए जारी मुहिम में उसके हौसले को ENTV सलाम करता है। लिहाजा प्रदेश सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को लेकर चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को औपचारिकताओं के फेर में उलझाकर दिव्यांगों की भावनाओं से ना खेला जाए। चुबाड़ी से कैमरामैन अंशुमन के साथ पुनीत शर्मा की रिपोर्ट।